चलो लेट्स बिगिन। हरियाणा का पेपर जहाँ से हमारा रह गया था वहीं से स्टार्ट करेंगे, और हरियाणा ही नहीं बाकी के स्टेट भी हम सॉल्व करेंगे प्री, ठीक है, सारे के सारे। जिसको ज्वाइन करना हो अगर मेंस के लिए तो वो मेंस के लिए मेरे पास पर्सनली ज्वाइन कर सकता है, पर अभी हम जहाँ से हमारा रह गया था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 21, तुम सबके आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन 41B ऑफ CRPC। द पुलिस ऑफिसर शैल बियर एन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, द पुलिस ऑफिसर शैल बियर अ विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, द पुलिस ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट टू बी काउंटर साइंड बाई द पर्सन अरेस्टेड, या पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन दैट ही हैज़ अ राइट द ऑफ लीगल काउंसिल ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। इसमें से क्या आंसर होएगा आप सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। शायद जो इसमें कोई बात ऐसी भी है जो कि किसी और सेक्शन में बोल रहे हैं 41B में क्या नहीं है, पर हो सकती है शायद वो किसी और सेक्शन में हो जो 41B वाली बात है। सोचो देखो, अब इसमें नेक्स्ट, इसमें जो मेन बात जो कि हमें देखनी है वो है, जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी रिक्वायरमेंट 41B के लिए। सबसे पहली बात, 41B को हमने ऐड कैसे करा था, इसको हमने 2009 से लाए थे, इसको हमने तभी ऐड करा था, और इसमें लिखा है इसका प्रोसीजर क्या है। बेसिकली 41B की तरफ अगर नजर घुमाओ बेयर एक्ट में अपने, वहां पर लिखा है कि पुलिस ऑफिसर के पास एक एक्यूरेट विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन होएगा। एक्यूरेट, वहां पर एक्यूरेट वर्ड यूज्ड है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन, फिर है कि विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन होएगा। प्लीज जो अभी आया ना जिस जिसने अनम्यूट कर, हाँ ठीक है, तो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होएगा उसके नाम का, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन होएगा उसके नाम का। तो ये बात तो वहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ताकि पुलिस वाले को पहचानने में इजी हो। फिर वो प्रिपेयर करेगा एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, ठीक है, और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट होएगा ये एक विटनेस अटेस्ट करेगा, जो कि मेंबर होएगा फैमिली का या फिर वो एक रिस्पेक्टेबल मेंबर होता है सोसाइटी का, ठीक है, जहाँ पर उसकी लोकेलिटी का, जहाँ पर उसकी अरेस्ट हुई है, और काउंटर साइन करेगा उसे जो पर्सन अरेस्ट हुआ है, मतलब जो कि अरेस्ट हुआ वो काउंटर साइन भी करता है, प्लस एक बंदा उसकी घर का भी करता है। तो ये भी है और ये भी है, क्या ये नहीं है डी ऑप्शन? डी ऑप्शन 41B में तो नहीं है, पर क्या वैसे 41B में नहीं है, पर क्या वैसे ये है डी ऑप्शन? यस, जो डी ऑप्शन है ये हमारा जो कहता है कि पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा कि उसके पास राइट है ड्यूरिंग इंटरोगेशन, ये 41D में है, 41D। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 22 से है, आर्टिकल 22 से, एंड ये 303 में भी ऐसा ही कोई राइट दिया हुआ है। तो तभी बता रहा हूँ ताकि तुम एक नोट्स में अपने नोट डाउन कर लो, मेंस में ये काम आता है, और अपना प्री में भी ऐसे ही कुछ कुछ बातें करोगे तो याद होती रहेंगी। तो इसका परफेक्ट आंसर डी था, ठीक है, चलो।
अंडर सेक्शन 53A, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग रेप, द अरेस्टी मे बी एग्जामिन्ड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अदर देन अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट और बाय अ लोकल अथॉरिटी व्हेन द लेटर इज नॉट अवेलेबल विद इन अ रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस। 53A, ये पहली बात क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन को अरेस्ट कर लिया ऑन द चार्ज ऑफ रेप, तो जो अरेस्टी है, मतलब कि जो कि यहाँ पर थोड़ा सा वो लिखा हुआ है अरेस्टेड, ठीक है, अरेस्टेड आना था, तो यहाँ पर ये लिखा है कि द अरेस्टी मे बी एग्जामिन, इस जो जो मतलब कि इसको क्या हम एग्जामिन कर सकते हैं, बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अदर देन अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल। तो क्या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसके अलावा, जो कि मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल के अलावा, क्या कोई और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी इसको एग्जामिन कर सकता है सरकारी हॉस्पिटल के अलावा, जब कोई भी वहाँ पर लोकल रेडियस में अवेलेबल नहीं है। पहला आपके आगे क्वेश्चन है, वेयर द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, वेयर द अरेस्ट वॉज मेड, वेयर द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इज सिचुएटेड, वेयर द नियरेस्ट कोर्ट इज सिचुएटेड। सोचो, सिंपल सी बात है कि 16 किलोमीटर आप कहां से गिनोगे, जहां पे आपने उसको पकड़ा, अरेस्ट करा या ऑफेंस हुआ, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से गिनोगे 16 किलोमीटर, या नियरेस्ट कोर्ट से गिनोगे। सोचो, अगर कोई आपने मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, जिसको आपने अरेस्ट करा है, उसका कि उसने रेप करा या नहीं करा, उसको आप सरकारी हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, 16 किलोमीटर किस जगह से काउंट करोगे, जहाँ पे वो ऑफेंस हुआ या जहाँ पे वो अरेस्ट हुआ, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इज सिचुएटेड या नियरेस्ट कोर्ट इज सिचुएटेड। इसका सही आंसर है वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जहां पर वो ऑफेंस कमिट हुआ है। बता देता हूं मैं आपको भी सबको आंसर, ए यस वेरी गुड समर्थ, सही आंसर सुमन प्रखर, वेरी गुड, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैजिस्ट्रेट इज ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 110 CRPC टू रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स विद इन हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन। सबसे पहली बात हैबिचुअल ऑफेंडर्स 110 में आपके क्वेश्चन कई बार आएगा कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स बेसिकली कहाँ कौन से सेक्शन में बिलोंग करते हैं, मतलब कि जिनको बार बार आदत होती है क्राइम करने की, तो वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, उनसे जो है सिक्योरिटी रखवा दी जाती है कि मैं अगली बार से कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा नहीं करूँगा, तो वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर्स बन जाते हैं, उनसे सिक्योरिटी रखवा दी जाती है कि कुछ कि तू ये बता कि आगे जाके कुछ गलत काम तो नहीं करेगा। तो वो कौन कौन से बेसिकली कौन रखवाता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, CJM, DM या EM। देखो अगर ये सारे टर्म्स आपके आगे आए हैं, तो सबसे पहले बता दूं तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक सेकंड क्लास होता है, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, होते इसमें एडिशनल भी हैं, असिस्टेंट भी हैं, CJM में भी असिस्टेंट होता है, पर इतना टेक्निकलिटी मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल सिंपल सा पहले समझ लो, फिर थोड़ा टेक्निकल भी समझ लेना। CJM और फिर एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज AD है, जिसका तुम पेपर देते हो, एडिशनल सेशन जज कह लो जिसे, या और असिस्टेंट सेशन जज भी होता है, असिस्टेंट सेशन जज भी होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है। इन सबको पहले समझ लो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होता है, जो कि MP जैसा स्टेट है वो लगाता है, उसकी कितनी पावर होती है सजा देने की,
1 ईयर और 5,000 तक का फाइन। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो कि हरियाणा दिल्ली दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन लगाता है, तो वो सेम रैंक के होते हैं एमएम और जेएमआईसी। इनकी 3 साल की तक की पनिशमेंट है और 10,000 रुपये। सीजीएम 7 साल और फाइन अनलिमिटेड लगा सकता है सीजीएम। और असिस्टेंट सेशन जज जो है ये 10 साल कर सकता है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है, और जो हमारा मतलब एडिशनल सेशन जज जो है या हमारा जो सेशन जज है, ये दोनों जो हैं ये चाहें तो जितना मर्जी सजा दे सकते हैं, पर डेथ को छोड़कर। डेथ भी दे सकते हैं, पर अगर डेथ देनी है तो इनको किससे पूछना पड़ेगा, किसी को पता है? सेक्शन विद सेक्शन किसी को सर को सेक्शन बेसिकली सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से बोलो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। वेरी गुड, पर देखो अगली बार से कमेंट करना मत बोलना, ठीक है? कमेंट करके बोलो जिसको भी कुछ कहना है ना। चलो वेरी गुड समर। अब नेक्स्ट इसमें है कि ये डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, पर हाई कोर्ट से पूछ के। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। 368 में ये बात लिखी है, 366 368 में। तो इसका आंसर था 23 का ईएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। 107 108 109 110 सारा ये क्या है, ईएम, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज ऑथोराइज्ड टू टेक सिक्योरिटी। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। और ये कितने साल की होती है ये भी नोट कर लो, 3 ईयर्स की होती है, ये भी एक तो नोट करना जरूरी है। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर 125। देखो 125 पहले बता दूं, मेंटेनेंस का सेक्शन होता है जिसमें कि आप वेरियस पर्सन है कि कई मतलब कोई अगर फादर मदर को मेंटेन नहीं करता, ये फादर मदर अपने एक यंग बच्चे को मेंटेन नहीं करते, या फिर कोई अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता, तो ऐसे इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप दिए हुए हैं। अब इसमें है कि कौन सा पर्सन जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगा, कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस बेसिकली कौन सा पर्सन क्लेम नहीं कर सकता 125 में। लेजिटिमेट चाइल्ड हु आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ। अगर कोई लेजिटिमेट चाइल्ड है जो कि मेजर हो गया है और अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता ड्यू टू इकोनॉमिक हार्डशिप, ठीक है, इस पे ध्यान देना कि वो मेजर हो गया। नंबर टू है एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट है यहाँ पे, हु आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, ये भी मेजर हो गया, कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। तो यहाँ पर एक जगह लेजिटिमेट है एक जगह इलेजिटिमेट है। सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। बताओ इनमें से कौन मेंटेनेंस नहीं कर सकता, सही ऑप्शन सोचो, 10 सेकंड दे रहा हूं। सोचो आराम से कि बेसिकली उसका आंसर क्या होना चाहिए था। देखो अब यहाँ पे है आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। देखो अगर कोई मेजर हो गया तब तो किस बात का मेंटेनेंस मांग सकता है, कोई लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, तो यहाँ पर दोनों ही मेंटेनेंस नहीं मांग सकते, ठीक है। एक केस नोट कर लो के शिवराम वर्सेस के मंगल अंबा, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था
कि जो चिल्ड्रन है अगर वो मेजर हो जाते हैं तब वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकते, अगर वो फिजिकल या मेंटली इनफर्म नहीं है, अगर वो फिजिकल और मेंटली इनफर्म नहीं है तब वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकते। हाँ, पर जो डॉटर है वो अपनी मैरिज तक मांग सकती है, पर अगर कोई डॉटर है वो चाहे तो अपनी मैरिज तक मेंटेनेंस मांग सकती है। केस का नाम नोट कर लो, जगदीश जग टावट वर्सेस मंजूलता। इस केस में हेल्ड हुआ कि जो डॉटर है वो मांग सकती है मेंटेनेंस। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच एंड ऑर्डर कैन नॉट बी मेड अंडर सेक्शन 144 CRPC। डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, अनॉयंस टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, इंजरी टू द पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड या नन ऑफ द अबव। इनमें से ऐसा कौन सा एक्ट है जो कि 144 में नहीं फॉल करता, सिंपल सी बात पूछ रहा क्वेश्चन। डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, अनॉयंस टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड या नन ऑफ द अबव। सोचो, आजकल वैसे भी 144 जो है बहुत हीटेड है। देखो जो 144 है ये हम क्यों इशू करते हैं, जब भी हमें प्रिवेंट करना होता है, क्या प्रिवेंट करना होता है, ऑब्स्ट्रक्शन जब हमें प्रिवेंट करनी होती है, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट करने के लिए, अनॉयंस प्रिवेंट करने के लिए या फिर इंजरी प्रिवेंट करने के लिए हम इसे इशू करते हैं, ठीक है। और ये हम बेसिकली क्यों इशू करते हैं, ये सब कुछ प्रिवेंट करने के लिए, और इन्हें करता कौन कौन है ये भी तुम्हारा प्री का क्वेश्चन है। डीएम करता है, एसडीएम करता है या ईएम करता है, ये तीन बातें नोट कर लो। डीएम, एसडीएम, ईएम, डीएम, एसडीएम, ईएम, ये तीन बंदे इसको करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे प्री में कई बार आ चुका है, तो यहाँ पर बेसिकली आंसर हो रहा था नन ऑफ द अबव। और ये कितने टाइम के लिए होता है, ये 2 मंथ्स के लिए होता है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ्स और, मतलब टोटल इसे 8 महीनों तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले 2 महीने के लिए होता है, फिर 6 महीने के लिए, फिर 8 महीने के लिए। धारा 144, क्या धारा 144 पर कोई अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, क्या कोई लेटेस्ट जजमेंट अभी आई है धारा 144 के ऊपर, किसी को पता है? वेरी गुड जागृति, वीरेंद्र सही आंसर था। बताओ लेटेस्ट जजमेंट पता है किसी को? किसी को भी नहीं मालूम। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये लेटेस्ट जजमेंट आई हुई है अभी इसके ऊपर। ये वैसे तो मैं अपनी जो लेटेस्ट जजमेंट की क्लास है उसमें पूरा डिटेल डिस्कस में कराता हूँ, पर अभी के लिए तुम जजमेंट ही नोट कर लो। ये कश्मीर लॉकडाउन से रिलेटेड है जजमेंट, इसको वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं पर अभी यहाँ पर वो इतनी नहीं कर पाऊंगा मैं एक एक चीज डिस्कस। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड ऑन विच अ विटनेस अंडर सेक्शन 161 क्लॉज 2 ऑफ CRPC मे रिफ्यूज टू आंसर क्वेश्चन पुट बाय अ पुलिस ऑफिसर। इनमें से क्या ऐसा ग्राउंड है विटनेस 161 क्लॉज 2 में जहां पर वो रिफ्यूज कर सकता है, अगर पुलिस वाला कुछ भी उससे क्वेश्चन पूछता है वो उसे रिफ्यूज कर देगा कि मैं आंसर नहीं करूंगा। आंसर टू विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज, पेनल्टी सेम ही आंसर। अगर ऐसा आंसर जिससे कि उस पर क्रिमिनल चार्ज लग जाए या उस पर पेनल्टी लग जाए या उसे फॉरफीचर हो जाए या ऑल ऑफ द अबव।
इसका आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिराइव होती है, ऑल्दो वहाँ पर और यहाँ पर बहुत फर्क है। यहाँ पर सीआरपीसी में एक पार्शियल रिस्ट्रेंट है, वहाँ पर पूरा रिस्ट्रेंट है। और एक इससे जुड़ी हुई एक और बात कि अगर कोई पुलिस वाला आपको बुलाता है 161 में और आप रिफ्यूज़ कर देते हो उसको आंसर करने से, इसी से जुड़ी एक बात बता देता हूँ, तो आपको किस सेक्शन में बुक किया जा सकता है कमेंट कर दो। अगर आपको पुलिस वाले ने बुलाया, वेरी गुड मितांश, देखो जो 174 है ना वो पता है किससे है, थोड़ी सी गलती है। अगर आपको पुलिस वाले ने बुलाया, आप अटेंड करने नहीं गए 160 में, तो आपको 174 लगता है आईपीसी का। पर यही अगर पुलिस वाले ने आपको बुलाया और आपने रिफ्यूज कर दिया आंसर करने से, तो 179 लगता है। और यही अगर आपने झूठ बोल दिया तो 193 आईपीसी लगता है। तो ये कुछ कुछ सेक्शन है, नोट करते रहो, चलते रहो आगे, ठीक है। चलो, एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एनी टाइम बिफोर द क्लोजिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स द जजमेंट इज रिटन, द जजमेंट इज प्रनाउंस्ड या नन ऑफ द अबव। कोर्ट जो है वो ऑल्टर कर सकती है या ऐड कर सकती है चार्ज एनी टाइम बिफोर द क्लोजिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, जजमेंट इज रिटन, जजमेंट इज प्रनाउंस्ड, नन ऑफ द अबव। सी इज द राइट आंसर। हालांकि इसके ऊपर भी लेटेस्ट जजमेंट आई है, थोड़ा सा लॉ में चेंज हुआ है कि कब हम ऑल्टर कर सकते हैं कब हम नहीं कर सकते, एक इस पे नजर मार लेना लेटेस्ट जजमेंट, ठीक है। नहीं तो मैं लेटेस्ट जजमेंट की क्लास लेता हूँ, जिसने ज्वाइन करनी है वो भी कर सकते, पर इसमें चेंज हुआ है और मैंने अपनी क्लास में कराया चेंज जो था इसमें। चैप्टर 21A ऑफ द सीआरपीसी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2005, 6, 4 या 3। चैप्टर 21A, अब देखो 21A आया, 21A किससे डील करता है, 21A स्क्रीन पे भूल जाओ 2005-6। 21A जो है सीआरपीसी का, हाँ वेरी गुड मितांश, प्ली बारगेनिंग, स्क्रीन को भूल जाओ कि बेसिकली स्क्रीन क्या कह रही थी। प्ली बारगेनिंग क्या होती है, देखो जो चैप्टर 21A है हमने इसको सीआरपीसी में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006 से इनकॉर्पोरेट करा था, ठीक है। तो और ये कब से इनफोर्स आया था, इसकी एनफोर्समेंट डेट लिख लो, कब से ये इनफोर्स आया था, फिफ्थ जुलाई 2006। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि जो पेंडिंग केस हैं, बैकलॉग इतने सारे केसेस हमारे कंट्री में इकट्ठे हो रखे हैं, ताकि उनका स्पीडी डिस्पोजल हो जाए। जहां पर एक्यूज जो है खुद ही बोल देता है जज को कि मैं अपनी गलती मान रहा हूं, आप मेरे को सजा लाइटर सेंटेंस दे दो, मैं अपनी गलती कबूल कर रहा हूं। इसको हमने 265A से लेकर 265L तक इनकॉर्पोरेट कर रखा है हमारे सीआरपीसी में। सारा कुछ नोट करते चलो, प्री में ये काम आएंगी सारी की सारी बातें, शॉर्ट नोट्स आपके बनते रहेंगे हर क्वेश्चन के साथ। और इसका कंसेप्ट जो है प्ली बारगेनिंग का, हमने कहाँ से लिया था, ब्रैडी वर्सेस यूएस, ये अमेरिका का केस है, यहाँ से हमने इसे उठाया था प्ली बारगेनिंग के कंसेप्ट को। और ये खाली उन ऑफेंसेस के लिए होता है जिनकी पनिशमेंट जो है
बिलो 7 ईयर्स होती है, बिलो 7 ईयर्स। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजा बिलो 7 ईयर्स है, खाली उस तक ही अवेलेबल है, और ऑफेंस जो है वो एक्यूज ने करा, किसके अगेंस्ट उसको करा होना मतलब कि अवेलेबल नहीं है। अगर उसने एक वुमेन के अगेंस्ट करा है तो प्ली बार्गेनिंग अवेलेबल नहीं है, या फिर एक बच्चे के अगेंस्ट करा, एक चाइल्ड के अगेंस्ट करा है जिसकी उम्र अभी 14 साल एक्सीड नहीं हुई, तो ये उसके उसके लिए भी अवेलेबल है। और जो एक्यूज्ड है जो कि प्लीड कर रहा है और वो मस्ट बी गिल्टी, वो अपना अबव होना चाहिए, अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, जो गिल्टी है उसका एज जो है 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें बात ये है कि वो पहले किसी सेम ऑफेंस में कन्विक्ट ना हुआ, प्ली बार्गेनिंग अगर लेने आ रहा है तो वो पहले किसी सेम ऑफेंस में कन्विक्ट ना हुआ। और प्ली बार्गेनिंग जो है डाउरी केसेस में अप्लाई नहीं होता, सती प्रिवेंशन एक्ट में अप्लाई नहीं होता, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट में अप्लाई नहीं होता, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर अप्लाई नहीं होता, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट किसके लिए बना है? SC ST के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये उन इन केसेस में अप्लाई नहीं होता। और इसमें एक लास्ट बात नोट करने वाली है कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं कैसे चलती हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आपको नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, प्री में आपसे इससे रिलेटेड, प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे बाहर से नहीं आएगा। जो मैंने बताया खाली यही थोड़ा सा प्ली बार्गेनिंग में आएगा। इन केस ऑफ प्ली बार्गेनिंग बाय द पार्टीज, नो जजमेंट मे बी डिलीवर्ड बाय द कोर्ट, जजमेंट मे बी डिलीवर्ड इन प्राइवेट टू द पार्टीज, जजमेंट शैल बी डिलीवर्ड इन द ओपन कोर्ट, द बार्गेन स्ट्रक बाय द पार्टीज इज टू ऑपरेट एज द जजमेंट। पढ़ लो, समझ लो, आधा मिनट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब प्ली बार्गेनिंग होता है, जजमेंट जो है वो हमेशा एक ओपन कोर्ट में आती है। ठीक है, जब देखो मीटिंग होती है सारे के सारे पार्टी से, तो जो रिपोर्ट सबमिट होती है कोर्ट के आगे, और इसको एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करता है, और पार्टी इसको साइन करती है। ठीक है, और इनको एक आपस में मिल बैठ के बुलाती है कोर्ट कि इसने क्या काम करा या क्या काम नहीं करा, तो यहाँ पर एक सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन होना चाहिए। और अगर वो होता है तो जो कोर्ट है वो चाहे तो सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकती है और एक ऑर्डर पास कर सकती है, और कोर्ट इसमें एक कंपनसेशन भी अवॉर्ड करती है प्ली बार्गेनिंग में विक्टिम को। ठीक है, और कोर्ट इसमें सुनती है कि उसको कि उसको कितनी सेंटेंस मिलनी चाहिए। बेसिकली वो कहता है कि मेरे को कम ऑफेंस दो, मेरे को कम सजा दो ऑफेंस के लिए। तो प्ली बार्गेनिंग यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, इनमें से किस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो प्रेजेंस है लॉयर का एट द टाइम ऑफ इंटरोगेशन कैन नॉट बी डिमांडेड एज अ मैटर ऑफ राइट। फूलपंदी एंड अदर वर्सेस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल एक्साइज, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर वर्सेज जुगल किशोर सामरा, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, इनमें से क्या आंसर होएगा?
देखो अब जो इंटेरोगेशन है वो किसी एडवोकेट का कैसे हो सकता है, मतलब कोई वो कहते हैं कि एडवोकेट होना चाहिए उस टाइम जब आपका इंटेरोगेशन हो रहा है, ठीक है, तो एक एडवोकेट आपके पास होना चाहिए। ये 41D में, आर्टिकल 22 में, 303 में, तो ऐसा ये कई जगहों पर है कि इंटेरोगेशन के टाइम पर आपके पास एक एडवोकेट जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटेरोगेशन किस केस में हेल्ड हुआ था, सबसे पहली बात तो ये नोट कर लो कि ये सी इसका आंसर है, दोनों में यही हेल्ड हुआ था कि जो एडवोकेट है उसका इंटेरोगेशन के टाइम पर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो इंटेरोगेशन है रिस्पोंडेंट का, वो हम कह सकते हैं कि वो विद इन द साइट ऑफ इस एडवोकेट है होना चाहिए, या फिर कोई भी पर्सन जो कि उसके द्वारा ड्यूली ऑथराइज्ड है। तो जो एडवोकेट है या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द रिस्पोंडेंट है वो प्रोसीडिंग को देख सकता है एक डिस्टेंस से, एक ग्लास होता है, एक शीशा होता है, शीशे के पीछे से वो देख सकता है, ठीक है। पर शीशे में ये नहीं, एक्यूज को नहीं दिखेगा कि मेरा एडवोकेट खड़ा है, पर एडवोकेट, हाँ एडवोकेट उसको जरूर देख सकता है कि क्या उसके साथ इंटरोगेशन हो रहा है और कैसा इंटरोगेशन उसके साथ हो रहा है, तो एक शीशे के पीछे देखता है। अब आईटी एक्ट अमेंडमेंट जो है कब फोर्स में आई, 2008, 9, 7, 10। अब मैं बता दूं आईटी एक्ट अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, एविडेंस का देख लो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, आईपीसी पर भी है, सीआरपीसी पर भी है इसका इम्पैक्ट, तो हमारे क्रिमिनल लॉ पर आईटी अमेंडमेंट एक्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये कब से फोर्स में आई, 2009 से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट, मेंटल कंडीशन, रिलेशन ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स, नन ऑफ द अबव। फैक्ट इनमें से क्या नहीं है, नन ऑफ द अबव। सेक्शन 3 जो है ये हमको डील करता है। तो जो मेंटल कंडीशन है, रिलेशन ऑफ थिंग्स है या स्टेट ऑफ थिंग्स है, तो ये सारी की सारी क्या है, रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। फैक्ट का क्या मतलब होता है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स या रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बींग परसीव्ड बाई दी सेंसेस। सेक्शन 3 पढ़ो इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहां पर हमको दे रखा है। आज मैं जितने भी सेक्शन करा रहा हूँ एक एक बार बेयर एक्ट से उठा के इनको पढ़ लेना, ठीक है, फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। वैसे मैं ऐसे काफ़ी सारे पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ इन द कमिंग डेज, अभी हमने 30-32 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर कोई मेरी क्लास सारी की सारी लगाता है सही ढंग से, तो उसका प्री का एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही। ये एक बहुत अच्छी क्लास है इसमें, क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ, मैं खाली तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मैंशन इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में ऐसा क्या मैंशन नहीं है, ठीक है। एज द मीन्स बाई विच एनी मैटर इज एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, लेटर्स, फिगर्स, सिंबल्स, मार्क्स। लेटर, फिगर्स, सिंबल्स, मार्क, तभी कहते हैं कि बेयर एक्ट पे पकड़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी मैं कराता हूँ अपनी क्लास में मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये तीन वर्ड हमेशा बोलते हैं, इसमें से जो तीन वर्ड्स आते हैं। LFM, लेटर, फिगर, मार्क्स, ठीक है। अब मैं बता दूं तो आंसर इसका वैसे तो सिंबल है, ठीक है, ये नहीं है एक्सप्रेस, ठीक है, विच हैज़ नॉट बीन मैंशन, तो मैंशन लेटर्स मैंशन है, फिगर्स मैंशन है, मार्क्स मैंशन है। अब ये आईपीसी के किस सेक्शन में, सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी। थोड़ा इंटरलिंकिंग भी करते चलो, थोड़ा थोड़ा उस पर भी, बाकी चीज़ों पर भी नज़र मारते चलो। और इसमें एक मेन बात ये है
कि अगर मान लो आपने अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी जो कि कहता है मेरा बाप चोर है, ठीक है। अगर इंडियन लॉ की बात करें तो जो मेरा बाप चोर है अमिताभ बच्चन की बाजू में लिखा है, वो भी क्या है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। पर अगर मैं इंग्लिश लॉ की बात करूं तो पूरा का पूरा जो अमिताभ बच्चन है कि मेरा बाप चोर है, तो वो पूरा का पूरा ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यहां पर खाली जो उसने अपनी बाजू पर लिखा है वो डॉक्यूमेंट है इंडियन लॉ के हिसाब से, जो चीज एक्सप्रेस्ड है दैट इज डॉक्यूमेंट। पर बाहर अगर हम देखें, या फिर आप ताजमहल या कहीं भी मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हो, वहां पर लिखा होता है कि डैश लव्स डैश, एक्स लव्स वाई, या वाई लव जेड, ऐसे कई जगहों पर लिखा होता है। तो अगर कोई पत्थर है वहां पर लिखा है एक्स लव्स वाई, तो यहाँ पर इंडियन लॉ में खाली ये डॉक्यूमेंट है, पर अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो ये पूरा का पूरा ही डॉक्यूमेंट है। ये भी समझ लेना, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट के फर्क से ऐसी बातें भी पूछ लेते हैं कि मैटर एक्सप्रेस्ड है, इसमें से डॉक्यूमेंट क्या है, तो प्री अमेंस में काम आएंगी सारी कंसेप्ट। रेस जेस्टे, रेस जेस्टे का मतलब क्या होता है, थिंग्स डन थिंग्स स्पोकन सेम ट्रांजेक्शन या थिंग्स देन। देखो रेस जेस्टे जो है ये एक लैटिन वर्ड्स से निकल कर आया है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि थिंग्स डन, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसमें क्या है कि अगर लिटरली देखें तो इसमें थिंग्स डन है, वैसे इसका आंसर ए होएगा, पर वैसे ये सेम ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, पर सिंपल सी बात है इसका लिटरल मीनिंग क्या है, थिंग्स डन। तो यहाँ पर आपका आंसर तो ए ही होना चाहिए। अब रेस जेस्टे हमको कौन से सेक्शन में दिया हुआ, सेक्शन 6 में। स्पेसिफिकली देखें तो सेक्शन 6 में दिया हुआ है, वैसे देखें तो 6 से 11 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर रखा है सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 जो है बहुत ही वाइड ट्रांजेक्शन है, मतलब कि बहुत ही वाइड सेक्शन है। इसमें सेम ट्रांजेक्शन में कुछ भी होता है, मान लो कि अगर एक पर्सन है उसको एक गाड़ी ठोक जाती है, तो वो एक, और अगर वो चिल्लाता है एकदम से, अगर कुछ भी ऐसे करता है तो वो इसमें आ जाएगा। और एक और इससे बात याद करना, ये एक हियर से की एक्सेप्शन है, सेक्शन 6 इज एन एक्सेप्शन टू द हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस की ये एक एक्सेप्शन है। हियर से एविडेंस क्या होता है, सुनी सुनाई बातें, जैसे आपके फ्रेंड जो हैं आपसे कुछ सुनकर जाते हैं, दूसरे को भड़काते हैं, फिर वो तीसरे को भड़काता है कि ऐसे बोला ऐसे बोला। तो आपने जो बोला अपने फ्रेंड को वो तो डायरेक्ट है, फ्रेंड ने आगे बोला, और जो थर्ड पार्टी को आपके फ्रेंड ने बोला वो एक हियर से एविडेंस हो जाएगा। कोर्ट थर्ड पार्टी की कभी बातों पे यकीन नहीं करता, फिर वो आगे फोर्थ को बोलेगा, फोर्थ की बात पे भी कभी यकीन नहीं करता, तो खाली आपके फ्रेंड है उसकी बात पर यकीन करेगा। तो ये एक रेस जेस्टे का एक्सेप्शन है। रेस जेस्टे में थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी की बात पर भी यकीन करा जाता है। थोड़ा थोड़ा नज़र मार लो, बार बार बताता रहूँगा चीज़ें हर एमसीक्यू में। द स्टिपुलेशन दैट फैक्ट्स विच एनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस आर रेलेवेंट इज इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 12, 10, 8 या 11 इंडियन एविडेंस एक्ट। अमाउंट ऑफ डैमेजेस कौन सा सेक्शन है, देखो सिंपल सी बात है, अगर कभी याद ना आए सेक्शन एलिमिनेशन मेथड से कर लो। ये क्या है, कंडक्ट प्रेपरेशन, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट इम्प्रोबेबल, मतलब कि प्ली ऑफ एलिबाई वाले सेक्शन है सेक्शन 11। ये क्या है, कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपका डैमेजेस से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर विल बी सेक्शन 12 इंडियन एविडेंस एक्ट। थोड़ा सा बेयर एक्ट पर भी नज़र मार लो, और सेक्शन 12 जो है ऐसी डैमेजेस वाली बात क्या हमको
कॉन्ट्रैक्ट में भी कहीं पढ़ने को मिलती है? जी हाँ मिलती है, 73 से 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी यही बात है। तो ये कहता है कि कोई भी सूट है जहाँ पर हमने डैमेजेस को क्लेम करा, तो कोई भी फैक्ट जो कि कोर्ट को एनेबल करता है कि वो डिटरमाइन करे अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो कि मिलना चाहिए था, वो एक रेलेवेंट है। ठीक है, तो जो भी आपको डैमेजेस कैलकुलेट करने में या कंपनसेशन कैलकुलेट करने में मदद करता है वो सेक्शन 12 में रेलेवेंट है, जो भी फैक्ट्स हैं। तो जो सेक्शन 12 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो टोर्ट्स जो है या फिर डैमेजेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सारे इसमें एक रेलेवेंट फैक्ट है, मतलब कि ये कंसिडर करा जाता है सेक्शन 12। अब जैसे कि कोई पर्सन है, अगर मान लो सलमान खान ने गाड़ी से उड़ाया था चार बंदों को या नहीं उड़ाया था, गॉड नोस, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे बंदे हैं जिनको उसने उड़ाया, अब वो गरीब हैं, उनका इतना स्टैंडर्ड नहीं था, वो अलग बात है। यही अगर उसने एक अच्छे खासे घर के बंदे को उड़ाया होता जिसकी इनकम अच्छी थी, या वो मिडिल क्लास का था, सोल अर्नर था, ये सारे के सारे बातें जो हैं ये हेल्प करती है हमको डिटरमाइन करने में अमाउंट ऑफ डैमेजेस। अब हम कह रहे हैं कि कोरोना से डेथ होगी, ही वॉज द सोल अर्नर और वो एक अच्छा अर्नर था, वो कमाता बहुत अच्छा था, तो यही एक फैक्ट है सेक्शन 12 में, इट इज़ अ फैक्ट। जब भी हम अमाउंट ऑफ डैमेजेस डिटरमाइन कर रहे हैं कि विक्टिम की फैमिली को कितना मिलना चाहिए, कि वो लड़की थी, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, वो सुंदर दिखती थी, उस पर एसिड गिर दिया, तो वो एक अमाउंट ऑफ डैमेजेस डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं बातें। शी वॉज द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली, उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कभी ठीक नहीं हुई। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ माइंड्स हैज नॉट बीन एक्सप्रेसली मेंशन इन सेक्शन 14, इंटेंशन, रैशनेस, मोटिव, इलविल। सेक्शन 14 में इनमें से कौन सी बातें मेंशन नहीं है? देखो सेक्शन 14 में वैसे बहुत सारी बातें मेंशन है, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ भी मेंशन है वहां पर, इल विल मेंशन है, नेग्लिजेंस है, रैशनेस है वहां पर, ठीक है। तो क्या इल विल है यहाँ पर? ये तो चलो 14 में है, इसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इंटेंशन भी 14 में आपकी फॉल कर रही है, रैशनेस भी कर रही है, मोटिव नहीं है। मोटिव कौन से सेक्शन में, कौन बताएगा? मैंने अभी सेक्शन का नाम भी दिया है जब मैं ऊपर पढ़ा रहा था, मोटिव किस सेक्शन में आएगा? वेरी गुड अंशु, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो मोटिव हमारा सेक्शन 8 में फॉल करता है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उस सेक्शन का नाम लिया था, सेक्शन 8, मोटिव कंडक्ट प्रिपरेशन। ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलेवेंट व्हेन द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम शोज दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द सेम, या जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द बोथ। ओरल एडमिशन हम कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का कब दे सकते हैं? ये हमारा 22A में है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है बी। जब जेन्युइननेस क्वेश्चन में हो तब जाकर हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ओरल एडमिशन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है ये कौन से सेक्शन में फॉल करता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बेसिकली मतलब ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है, मतलब या फिर ये एक अलग चीज का एक एविडेंस है, बताओ किस में फॉल करता है? ओरल, हाँ 65 तो ठीक है, पर ये ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एक अलग से एक एविडेंस है। देखो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है ये हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना।
ओरल एविडेंस इज ऑलवेज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये तुम्हारा प्री में आएगा। तो ओरल एविडेंस हमेशा डॉक्यूमेंट, सेक्शन 3 पढ़ लेना एविडेंस की डेफिनेशन में, दो तरीके के एविडेंस होते हैं, ऑक्यूलर और डॉक्यूमेंट्री। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशनड एज अ ग्राउंड अंडर सेक्शन 24 रेंडरिंग अ कन्फेशन बाय एन अक्यूज्ड पर्सन इररिलेवेंट। सेक्शन 24 में इनमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है? सेक्शन 24 किसका? इंडियन एविडेंस एक्ट का। जब वहां पर कोई पर्सन कन्फेशन करता है उसका कन्फेशन जो है इररिलेवेंट होता है, वहां पर ग्राउंड दिए हुए और उसकी डेफिनेशन, उसका जो पार्ट है इंडेक्स में ही वो ग्राउंड आपको दिख जाएगा। क्या वहां पर इंड्यूसमेंट है? यस, इंड्यूसमेंट वहां पर फॉल करता है। और सोचो सोचो, पहले सोच लो थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं। इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, तो डिसीट वहां पर नहीं है, तो आपका आंसर होएगा डिसीट। ठीक है, सेक्शन 32 एविडेंस डज नॉट स्पीक ऑफ विच काइंड ऑफ फॉलोइंग पर्सन। 32 में एक आपने फेमस चीज सुनी होगी, लोग वैसे उसको इसलिए फेमस समझते हैं, पर वहां पे 8 क्लोज हैं असलियत में, एक क्लोज नहीं है वहां पर। हम सबको मतलब जनरली लोगों को एक ही बात पता होती है कि वहां पर एक टाइम डिक्लरेशन नाम की चीज है, मरते मरते बोल जाओ कि इसने मेरे साथ ऐसे करा वैसे करा। तो इनमें से सेक्शन 32 जो है किसकी बात नहीं करता, क्या क्या ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 32 जो है किन किन ग्राउंड्स पर फॉल नहीं करता। समर्थ, वेरी गुड। अब पर्सन हु इज डेड, जो इंसान मर गया है, क्या ये उस पर अप्लाई होता है? हाँ होता है। पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड, उस पर भी अप्लाई होता है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, पर्सन हु इज अनविलिंग टू गिव एविडेंस थोड़ा बहुत डाउटफुल है। फिर है पर्सन हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, ये भी वहां एक्सप्रेसली मेंशन्ड है। ठीक है, तो किन किन पर्सन की स्टेटमेंट्स जो है रेलेवेंट होती है, और एक इसमें चीज मेंशन नहीं है, वो है कि जब हम उस पर्सन को कोर्ट में नहीं बुला सकते विदाउट एन विदाउट डिले या एक्सपेंसेस, अनरीजनेबल एक्सपेंसेस होंगे उसको बुलाने में, तो वो चौथा ग्राउंड यहाँ पर मेंशन नहीं है। चार ग्राउंड होते हैं 32 में, तो यहाँ पर हु इज अनविलिंग टू गिव एविडेंस जो है ये आपका आंसर होएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है हमारे पास सेक्शन 32 में। लास्ट क्वेश्चन आज का, अंडर सेक्शन 45 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड एज पॉइंट्स ऑन विच द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स इज रेलेवेंट। एक्सपर्ट ओपिनियन, इनमें से कौन सा ग्राउंड है जहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं अप्लाई होएगा? फॉरेन लॉ, क्या फॉरेन लॉ पर एक्सपर्ट ओपिनियन अप्लाई होएगा? 8 पर डोमेस्टिक लॉ और पॉइंट ऑफ साइंस, इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा ग्राउंड है जहां पर ओपिनियन अप्लाई नहीं होता? थिंक अबाउट दैट। देखो फॉरेन लॉ पर तो 101% होता है, 8 पर भी होता है। एक बात बताओ, जज तुम हो, एक्सपर्ट तुम हो, तुम सब हो, तो क्या ओपिनियन जो है, अब जज सब तुम हो, तो एक बात बताओ, क्या आपको इंडियन लॉ पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए या लेना पड़ेगा इंडियन लॉ पर? एक्सपर्ट बेसिकली इंडियन लॉ का तो एक जज ही होएगा ना डोमेस्टिक लॉ का, क्या डोमेस्टिक लॉ पर एक्सपर्ट ओपिनियन फॉल करना चाहिए? नो,
साइंस पर करना चाहिए। देखो साइंस की हमको नॉलेज नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं होगी क्योंकि कुछ साइंस बैकग्राउंड के होंगे, वो अलग बात है, पर हमको खाली 10th तक की नॉलेज है या मोस्ट प्रोबेबली प्लस टू तक की, या कुछ बीटेक वाले भी होंगे, वो अलग बात है। आठ आठ की हमको क्या काम, हमारा तो जज का ही है काम मेनली, हमारी एक स्किल तो है नहीं। आर्ट क्या होती है, जहाँ पर आपकी बेसिकली स्किल हो, नॉलेज हो आपको किसी चीज़ की, कला, उसको हम आर्ट कहते हैं। फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ क्या होता है, फॉरेन लॉ की तो हमें नॉलेज है ही नहीं किसी को भी, तो यहाँ पर हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, आर्ट पर पड़ सकती है। डोमेस्टिक लॉ पर तो हम खुद ही एक्सपर्ट हैं, हमको क्या ज़रूरत है किसी से पूछने की, अच्छा लॉ रिसर्चर को बुलाया और उससे काम करवा लिया ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या है, तो ये आज का सेशन पूरा हो गया। अगर किसी को मेरे से पढ़ना है पर्सनली, मेंस की बैचेस में बैठना है तो वहाँ भी वो बैठ सकता है, 15,000 फीस है पूरे कोर्स की। एंड अगर किसी को इंस्टॉलमेंट में करना है तो वो 3x6 18,000 पे करे 6 महीने तक, 3,000 करके, तो आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो। मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोल करा रखा है मेरे पास, आप चाहो तो जिसको भी पसंद आ कर सकता है। आज के लेक्चर में किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ लो, मैं बैठा हूँ 2 मिनट 3 मिनट फिर मैं जाना। वेलकम हिमाक्षी, मनीषा तुम पहले पढ़ी हुई हो मेरे से, शायद एक लड़की थी मनीषा मेरे पास बहुत पहले, कब पढ़ी हो, इस क्लास में नहीं वैसे मेरे बैच में रेगुलर, ओके ओके ठीक है मे बी, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो आज के लेक्चर में।